वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घर, ठीक है? क्योंकि रेबल ने कहा था, मैंने कहा तेरा बहुत दूर है घर जा, अभी घर जाना, एंड हो जाऊंगा भाई। अच्छा सॉरी गाइस, इसका वैसे एंड उतरत, अभी सीधा आपको मिलेंगे एयरपोर्ट में। रेबल, वो एयरपोर्ट वाली कहानी याद है, स्कैम 1992, 5 रुपए का 20 रुपए में? हां हां, वो बनाएंगे हम गाइस। क्या 5 रुपए का नया व्लॉगर इन द हाउस है, देखो क्या 5 रुपए का 20 में। वो भाई फॉलो थोड़ी करता है, मैं तो मामा के व्लॉग्स को, व्लॉग कौन कर रहा है दर्शन भाई अपने, तो ये व्लॉगर। वेलकम वेलकम टू द वेलकम बैक टू द वाइपर्स। वेलकम, अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, हम दिल्ली बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, तो मैं लगता है वो काम हो पाएगा क्या? हाँ मेरे को तो लगता है। क्या काम से जा रहा है? पीसी बनाने जा रहा है, पीसी बनाने, बहुत टफ काम है। डूइंग एंड वाइपर का व्लॉग आ रहा है बहुत जल्द। टू डेबल क्या चलता है तो चलते हैं सीधा, आपको मिलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, अभी उधर देखते हैं कुछ। वैसे भी यार देखो, एयर ड्रॉप इन्होंने 30 मिनट में ड्रॉप किया, चाहिए भाई। और मेन बात, मेरी टिकट अभी तक नहीं आई है मेरे पास गाइस। टिकट का क्या करना है? 9 बजे की टिकट तो तू वो वाली लाने वाला था, मलेशिया वाली। सो गाइस, आई एम डन विद सिक्योरिटी चेक इन। मतलब सबसे ख़राब काम लगता है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम भी सिक्योरिटी चेक इन ही है। अब मैं देखता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारा टेक ऑफ है 7 o'clock का और अभी बज रहे हैं 5:50। तो मेरे पास कुल मिला के थोड़ा सा कितना मैच, ठीक है, 1 घंटे मेरे पास कुछ भी ना करने के लिए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, देखता हूँ कुछ खाऊँगा नहीं तो देखूँगा क्या करूँगा। चलो मिलते हैं सीधा फ्लाइट में। जस्ट लैंडेड गाइस, इधर इतनी ठंड है ना, और एक मतलब इधर तो नाम नाम की धूप है और नाम नाम का ही सब कुछ है भाई, इतनी ठंड है। और गाइस एक धोखा हुआ है, सागवान आरता लेने, सागवान नहीं आया। मेरे पापा का जस्ट मैसेज आया था कि सागवान लेने आने वाला है, पर सागवान नहीं आया, और कैब भी लेनी पड़ेगी, सागवान ने धोखा दिया। एंड सागवान कर दो यार, मैं तो कह रहा हूँ इसे लाया गया भाई, वो इधर भी करता है एंड होने के लिए। सर अब अगर कैब ढूंढना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, मेरा ऐप बैन है, सही है आपको। चलो कैब लेते हैं, यही कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, 2 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। सामान का कॉल, लो पावर, सामान का कॉल आया था अभी, सॉरी कह रहा था कि मतलब वो लेने आने वाला था मेरे को, उसने मेरे पापा को भी मैसेज किया था कि उसको लेने मत जाना, मैं आऊँगा लेने। तो भाई सो गए थे, रात भर जागे थे, 9 बजे चार सो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो जस्ट मेरे घर आएगा। अभी मैं, मेरा दोस्त आ रहा है मेरे घर दिवेश, उसके साथ मैं पीसी असेंबल करूँगा, मैं खुद तो कर नहीं पाऊँगा, पीसी वाले को बुलाऊँगा, करूँगा असेंबल करूँगा। शाम को नहीं, रात को स्ट्रीम होगी, अभी मतलब शाम तक पूरा स्केड्यूल बिजी है। थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग जाऊँगा, एक आधे जैकेट वगैरह लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात ख़राब हैं और जैकेट के भी हालात ख़राब हैं। और घर दस एक मिनट पहुँचूँगा। स्ट्रगल चल रहा है दिवेश, स्ट्रगल कैसे चल रहा है भाई, बताइए। परी अरे भाई ये पन्नी नहीं, गाइस हमें मेन इशू ये है, हमें पता करना है हमारा कैबिनेट कौन सा, ठीक है? हमने पहले गलत डब्बा खोल दिया जिसमें था RTX 3080, अब हम खोल रहे हैं ये, काश इसमें कैबिनेट हो, क्योंकि ये पूरा लग रहा है। उसको किसको कॉल करेगा, कंप्यूटर असेंबल वाले को, उसको अपना सीपीयू का मॉडल बताएगा, लड़ाई होगी, फिर यहाँ पे आके पीसी सेटल होगा। अब फिर ये हमारा बेसिक एकदम बेसिक सा गंदा सेटअप था, है मतलब अभी कुछ करने चाहिए, कॉल हो गया, लड़ाई होगी, मिलते हैं सीधा सेटअप के टाइप में, व्लॉग लंप हो जाएगा, फिर दिक्कत। डब्बा डब्बा ही डाला था फिर। अरे वो देखो पीछे देखो, गंदे आदमी हट्टी करते हुए भाई, इससे सुन क्या किया
चलो इसको इतना ही रख दे। आते शुरू हो गया तो अभी बज रहे हैं दोपहर के एक बज रहे हैं। तो भैया आ गए पीसी सेटअप करने। भैया ने बोला है कितना टाइम लगेगा भैया? डेढ़ घंटा। तो मतलब पूरा लग जाएगा, डेढ़ घंटे में सेट हो जाएगा। डेढ़ घंटे बाद मैं स्ट्रीम करूंगा। स्ट्रीम कर लूँ आज? हाँ स्ट्रीम कर लेता हूँ डेढ़ घंटे बाद। फिर अब नहीं, डेढ़ घंटे बाद फिर सॉफ्टवेयर है ना। हाँ तू तो पेपर देने आया। गाइस आज मेरा एग्जाम है, वैसे मैं बताना भूल गया था। अब मेरा एग्जाम देने आया हूँ मैं यहाँ पे आज। मैं रोज़ पढ़ाई करता था बूट कैंप में, पर बूट कैंप पेपर नहीं दे पाता तो मैं इसलिए यहाँ पे एग्जाम देने आया हूँ, फोकस करने आया हूँ पढ़ाई में। अपाल मेरा और एक और दोस्त है जग्गा, उसका पेपर है। तो ऑल द बेस्ट, थिंक देना कमेंट में। पास जाएंगे, शाम को भी पेपर है मेरा। शाम को भी? हाँ शाम वाला पेपर। शाम वाला पेपर तो हाई नहीं वाला था। अभी वाला पेपर जाऊँगा। अभी शाम बाहर बातें पे था एज यूजल बेला नल्ला पाऊँ। अभी मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दे जा रहा हूँ। ग्रुप में रोल नंबर आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ यार। मेरा भी एग्जाम है कल। ये देखो गाइस मेरा ग्रुप में क्वेश्चन नंबर आ चुका है। ऑलरेडी होता है ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है, अब जा रहा हूँ एग्जाम देने। देख लिया होगा, अब मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। ये शाम को एक और एग्जाम। अभी पाल भी एग्जाम दे रहा है मेरे साथ। ठीक है चलो मिलते हैं पीसी बिल्डर के, देखते कैसा दिखेगा। गाइस मेरे बर्थडे की पार्टी हो रही है, सावन ने बर्थडे की पार्टी मांगी थी। सावन कैसी लग रही है आपको पार्टी? भाई इतनी अच्छी पार्टी, भाई मेरे को चॉकलेट मिली है, खुशी हो गई। अब क्लास स्कूल में जाकर मिलती थी, स्कूल में आते थे बच्चे, आते जैसे देखे भाई चॉकलेट ले लो भाई, मैंने खुशी होगी। हम अपने बेस्ट फ्रेंड को दो चॉकलेट देता था, इसको दो चॉकलेट तीन मिली है भाई, तीन मिले ले भाई, समझ गंदा। एक और मेजर पार्टी, मेजर एकदम शॉर्ट्स शॉर्ट्स की लाइफ पे चल रहा है, दूर को शॉर्ट्स मारेंगे गाइस। अभी देखो अभी बहुत स्नैक्स स्नैक्स सब रेडी है, सब रेडी। बड़ों के लिए फ्रूटी के अंदर क्या पता है, फ्रूटी अस्सा लो। चलो भाई अभी पीसी वाला अंदर बिल्ड हो रहा है, हम बाहर चिल कर रहे हैं। बोल नहीं रहे आप, क्या कर रहे हैं? नहीं निकाला तो सामने। अच्छा क्यों क्यों मुँह में कपड़ा नहीं? हाँ खदी चीज है, बैड मैनर्स है, गुस्सा कर रही है। गोभी गोभी करके चलना है। हाँ अच्छा चले मार्केट चले फिर वापस। अरे नहीं अभी नहीं, कोरोना है। अरे यार तीन साल की हो तुम, चार साल की हो? चार साल की हो ठीक है। तुम तीन क्यों चार क्यों पहले बताओ, सोचो कंफ्यूज हो गया। चार साल की हो, चार साल की हो, फोर इयर्स की हो बोलो। कहाँ एक गंदी बात, दीवार से कपड़ा गंदा। क्या कर रहे हो साम जी, अभी गंदे जाओगे कपड़े गंदा जाएंगे आपके। अब बैड मैनर्स जैसा भी हो, क्या हो गया? लोडिंग क्या हुआ साम जी? अरे भैया 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 ये तो भाई बेइज्जती। अरे भैया बेइज्जती। मैं तुम्हें अभी देखा तुम उसको मार रही थी, क्यों मारा तुमने उसको? तो गाइस अभी सीपीयू रेडी होने वाला हमारा। हाँ
तो गाइस फाइनली अपना पीसी रेडी हो चुका है भैया आपको कितनी मेहनत लगी आप सच से बता रहे हैं क्या दिक्कत हुआ था अभी चालू नहीं हो रहा था कूलर की फिटिंग का सिस्टम अलग है ये देखो मैं दिखाता हूँ कूलर की मतलब भैया का हालत टाइट हो गया मैं तब से देख रहा हूँ भैया को कम से कम कितने घंटे हो गए निवेश दो से तीन घंटे हो गए भैया ने फुल मेहनत करके सेटअप किया है अभी विंडोज इंस्टॉल करेंगे भैया विंडो की लाएंगे सब करेंगे फिर उसके बाद और कुछ अपना कुछ पेंडिंग ठीक है अब खेलेंगे आज़ाद को इसी में स्ट्रीम होगा मज़ा आएगा भाई इसमें स्ट्रीम करके देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस FPS कितना आता है देखते हैं मेरे बूटकैंप वाले PC में पहले जब मैं खेलता था FPS आता था 150 पता नहीं क्या इशू था इसमें देखते हैं 3080 कितना देता है मेरे को 240 हर्ट्ज़ पे ठीक है चलते हैं पाल से मैंने पाल एग्ज़ाम दे रहा था फिर एक मतलब फिर थोड़ा कहीं जाना है फिर सीधा रात को स्ट्रीम तो गाइस फाइनली अपना PC भैया ने रेडी किया भैया फीलिंग प्राउड अब आएगा मज़ा इसमें लैंड कार्ड कर दिया आपने एक बार लैंड कर दो हाँ वाईफाई डिस्कनेक्ट मार दे कैसे अभी जाएंगे इसमें खेलने दिवस कैसा लग रहा है कैसे एक बार PC बताना कैसा लग रहा है मेरे को तो सेक्सी लग रहा है डिस्कनेक्ट कर दो मतलब मेरा जो गेमिंग हाउस में है ना उससे मेरे को ज़्यादा अच्छा कैबिनेट इसका लग रहा है सही लग रहा है मेरे को अंधेरा करिए एक बारी ओए लाइट ऑफ करिए एक बारी हाँ वो भी ऑफ कर दे भाई वो चांदनी बार हाँ सही लग रहा है भाई ये मतलब लाइट ऑफ करके जो सेक्स वाले फील आएगा सॉरी सेक्सी वाला फील आएगा बस ऑन कर दे अभी चलते हैं गाइस फटाफट डाउनलोड करते हैं माइनक्राफ्ट वैलोरेंट जो स्ट्रीम करना है आज फिर स्ट्रीम करने बैठेंगे सो फाइनली गाइस पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है इतनी मेहनत के बाद देखो कितना भाई कितना मेहनत लगा भाई अपन जैसा मेहनती आदमी अगर पूरी दुनिया में हो जाए ना तब कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा भाई देश सही बोल रहा हूँ भाई मतलब इतना देर से बैठे हुए थे इतनी मेहनत कर रहे थे बात करिए अभी पूरा एकदम स्ट्रीमलैब इंस्टॉल कर रहा हूँ बस एक टेंशन है मैं जो फेस कैम उठा के लाया हूँ लॉजिटेक का वो मेरा साथ देते क्योंकि मैं अपना कैमरा छोड़ के आया हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे पास लेंस कवर नहीं था वो ख़राब हो सकता था अभी मैं ये स्ट्रीमलैब फट से सेटअप कर लेता हूँ फिर अभी अपन जाएंगे पाल से मिले नहीं है आप भी ढूंढ रहे होगे पाल को वैसे नहीं ढूंढ रहे होगे पता है मेरे को पर फिर भी ढूंढ रहे होगे मिलेंगे पाल से मोमोज खाएंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं खाएंगे कोविड चल रहा है एंड फिर आज का फिर इतना ही करेंगे फिर ये ब्लॉग एंड करेंगे मस्त तरीके से देखते हैं पाल के पास जाते हैं अगर कुछ कंटेंट वंटेंट मिलता ठीक है भाई आता है तो कोई आएगा भी तो रात को क्या कह रहा भाई जिसके साथ तूने वीडियो कॉल करी थी अबे वो नहीं आने वाला मामा कह रहा था आएगा मैं इतना गंदा आदमी अपनी जिंदगी में गाइस मैंने देखा ही नहीं आपको मैं एक लुक दे देता हूँ अपने सेटअप का फट से लाइट ऑफ करके एक ऐसा दिखाता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा है एकदम टेबल बेकार है सही झूठ नहीं बोल रहा सब कुछ बेकार है जस्ट एक काम चलाओ सेटअप मैंने अभी अपने लिए बनाया है बस क्योंकि मैं जब घर आ पाऊँ वैसे घर आना बहुत ही कम होगा अभी मैं 3-4 दिन के लिए आया हूँ तो मैं जब भी आऊँ तो मेरे को दिक्कत ना हो सही है निवेश इसलिए मतलब ये सेटअप वर्थ लगा मेरे को कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ अभी इसमें बैलो के लिए रुको आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है बट अब भी जस्ट हुआ सब डाउन पे लगा दिया रुको दिखाता हूँ गाइस अभी अपन कर रहे हैं स्टार्ट रिफ्रेश ये स्ट्रीमलैब्स है ठीक है इसको भी नीचे कर रहे हो ऊंचाई पे चल रखा है ये नहीं ये वैलो नो इंटरनेट अब पता क्यों हो रहा है ये अच्छा अभी इंटरनेट वाले का ना जीजी करने वाला हूँ मैं माइनक्राफ्ट डाउनलोडेड एवरीथिंग डाउनलोडेड यूट्यूब लॉग इन करेंगे पासवर्ड रीसेट मार के लॉग इन करेंगे ये रहा माइनक्राफ्ट प्ले करेंगे आज आपको माइनक्राफ्ट की सिम मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी अगर नहीं अच्छा ठीक है डाउनलोड नहीं होता बढ़िया स्ट्रीमलैब्स सेटअप करेंगे फटाफट स्किप करके ये भी स्किप करके और लाइव नहीं जाना अभी रुक जा एंड गाइस एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट 1 तारीख को आने वाली है सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम soul_regaltoss एंड कमेंट सेक्शन में जरूर गेस करना क्या अनाउंसमेंट है मैंने व्लॉग 3 में भी हिंट दिया था तो थोड़ा सा डिले हो गया अब आने वाला है मतलब मज़ा आएगा गाइस आप लोग अपडेटेड रहना हर जगह आई होप मैं डाल पाऊँ ये व्लॉग एडिट करते करते मेरे को सुनने को मिल जाए कि आप डाल सकते हो आप तो वो सही रहेगा पर लेकिन चलो वेट करते हैं आप यूट्यूब स्टोरीज पर भी अपडेटेड रहना वहाँ पर डाल सकता हूँ मैं एंड मिलते हैं फटाफट पाल के पास जाके अभी ये सेटअप कर लेते हैं जो भी इंटरनेट फाउंड है इंटरनेट वालों को कॉल करूंगा थोड़ा सा अभी करना है बात करनी है उनसे
ठीक है चलो फटाफट बाय गाइस। फाइनली हम घर आ चुके हैं, मैं पाल से मिलने गया था, शूट करना भूल गया क्योंकि इतने मजे आए थे। तो पाल फाइनली घर आ गया है भाई, एंट्री देनी पड़ती है क्या? तो गाइस पाल इज हियर। भाई तेरी शक्ल अब देखी भाई, शक्ल देखी भाई, अभी इतने मजे आ रहे थे तो मैं सोचा क्या कैमरा लगा के फिर मजा खराब करेंगे। तो अभी का कुछ कोई खास प्लान नहीं है, ब्लॉग को एंड करते हैं, एक नया ब्लॉग चालू करेंगे कल से, कल जाएंगे घूमने कहीं, ठीक है? हाँ देख लो, मास्क देख लो, मास्क कोरोना से बचेंगे। तो चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है? बाय गाइस, भाई बाय कर दो, भाई बाय बाय बाय।